हाय, आज मैं फिर से एक बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। मेडिट्स के डिमांड पे नाइजीरियन डिश है ये फुफू। एकदम इजी होता है, दो इंग्रेडिएंट से बन जाता है, बहुत ही यम्मी और बहुत हेल्दी भी है। और ये ना आप राइस के साथ भी बना सकते हो या पोटैटो के साथ भी बना सकते हो, बट मैं बना रही हूँ कसाबा रूट से। तो चलो मेरे किचन पे, मैं बनाऊंगी कसाबा रूट और कच्चे केले से फुफू। नाइजीरियन डिश फुफू बनाने के लिए हमें चाहिए ये कसाबा। ये मिट्टी के नीचे उगता है, इसका नाम कसाबा है, मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल है। और चाहिए साथ में कच्चा केला। दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए, ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। मैं बना रही हूँ मैडीट्स के डिमांड पे फुफू। तो कसाबा को धो के कट करके लेना है, जैसे कि ऐसा छोटे छोटे कट कर लिए, क्योंकि इसको हमें ग्राइंडर में एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो जब हम काटते हैं, इसके बीच में एक पतला सा डंडी होता है, वो भी निकाल देते हैं और अच्छे से छील के काट लेते हैं। उसके बाद अच्छे से साफ कर लेते हैं। और साथ ही साथ कच्चा केला भी मैंने कट करके लिया छोटा छोटा करके, क्योंकि ये बहुत स्टिकी स्टिकी बनेगा, तो जो केला है और भी स्टिकी बनने में मदद करेगा। तो एक जार ले लेंगे और उसमें मैं ले लूंगी, ये जार में मैं ले लूंगी कसावा। और साथ में केला भी। तो अच्छे से ब्लेंड करना है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है इसका। अगर पहले हम कोशिश करेंगे बिना पानी के ग्राइंड करने की, अगर नहीं होगा तो हम थोड़ा ही पानी यूज कर सकते हैं, ज्यादा भी पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पतला हो जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर सुखाने में। और इसीलिए छोटा छोटा कट करना है, मैं तो फिर भी रफली चॉप कर लिया। आप चाहो तो और भी छोटा छोटा चॉप कर सकते हो, ताकि एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट हो। तो पहले मैं बिना पानी के ग्राइंड करने की कोशिश करूंगी, फिर अगर लगे तो मैं 2-3 चम्मच ही पानी डालूंगी। तो फाइन पेस्ट बन गया है, दो बार मैंने ग्राइंड किया अलग अलग करके, और दो बार मैंने 2-2, 4 चम्मच पानी ही यूज किया, क्योंकि इस सबसे भी पानी निकल आता है। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी 1/2 चम्मच नमक। नमक डाल के मिक्स कर दूंगी अच्छे से। नमक ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। मैंने नमक डाला इसलिए कि इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगे। तो मैंने गैस ऑन कर दिया, एक बड़ा सा पैन ले लिया मैंने, और उसमें मैं ये डाल रही हूँ, जो मैंने पेस्ट बनाया उसको डाल दिया पूरा का पूरा। तो इसमें कोई ऑयल नहीं डालेंगे, इसको अभी मिक्स करते जाएंगे धीरे 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 हल्के हाथों से, ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। तो जब तक ये पकना जाए, इसमें कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसको कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहना है हल्के हाथों से, गुठलियां जैसे जैसे बनेगा उसको तोड़ते जाना है। तो मैं लगातार चला रही हूँ, क्योंकि गुठलियां बनते भी जा रहा है इसमें, क्योंकि बनेगा ही और उसको छुड़ाना भी है। और लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और एकदम स्टिकी स्टिकी बन गया है ये। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया बनके, तो भी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी और ज़्यादा स्टिकी स्टिकी बन जाए। थोड़ा ताकत चाहिए, हाथ दर्द हो सकता है, पर बनेगा बहुत मज़ेदार। तो एक कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है, और ज़्यादा स्टिकी करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, जैसे कि हल्का सा 2-3 बूंद डाल के फिर मैं मिक्स करूंगी, ताकि नीचे जितना भी लगे हैं वो भी एकदम आराम से आ जाए और इकट्ठा हो जाए। तो एकदम ही कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से स्मूथ हो गया है, कोई लम्स नहीं है इसमें, और अच्छे से पक भी गया है। 20 मिनट में एकदम रेडी हो चुका है, लो फ्लेम पे मैंने पकाया। थोड़ा सा हल्का सा भी पानी डाला था मैंने एक बार, ताकि नीचे जो लगा हुआ था वो एकदम आराम से निकल जाए। तो ये पक चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। अभी मैं गैस बंद करूंगी, हल्का सा इसको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं एक एक शेप दूंगी। तो ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होके और ज़्यादा स्टिकी हो गया है। तो अब मैं इसको एक प्लास्टिक रैप में रैप करूंगी। तो प्लास्टिक रैप ले लिया, उसमें मैं ऑयल लगा लूंगी हल्का हल्का। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं हो तो आप फॉइल पेपर भी यूज कर सकते हो, और या हाथ से भी हम कोई सा भी शेप दे सकते हैं इसको।
तो जैसा शेप देना है उतना ही पोर्शन हमें लेना है उठा के। मैं तो गोल शेप देना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा ही गोल करूंगी। तो गोल शेप दे दिया मैंने। अभी सेट होने के लिए मैं 5 मिनट फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद निकल के मैं प्लेटिंग करूंगी। तो फ्रिज से निकलने के बाद प्लेटिंग कर दिया मैंने, एकदम स्मूथ है ये, आराम से निकल जाता है। और गोल शेप में मैंने रखा फूफू को। ग्रेवी वाली चिकन करी के साथ सर्व किया मैंने और बॉयल एग के साथ। तो एकदम इजी तरीका से बनाया मैंने मैडी के डिमांड पे। आप लोग भी ट्राई करना जरूर, फूफू बहुत टेस्टी होता है, ये नाइजीरिया का है। तो आप लोग बनाओ, बना के खाने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था मेरा ये रेसिपी फूफू की। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।